नमस्कार, मैं तुम्हारा अपना समाज सेवक यश मान है। तो जैसा मैं आप लोग को बताता हूँ कि कल हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो रात को हमें कॉल आया वसंत नगरी से कि वहाँ पे कुछ खाना बचा हुआ है, आप आके ले जाइए। तो मुझे लगा थोड़ा बहुत खाना बचा होगा, तो वो मंदिर था कृष्णा भगवान का वसंत नगरी के पास में। तो मुझे इतना बुरा लगा कि सब लोगों को इन्वाइट करने के बाद में कोई लोग खाना खाने को नहीं आए। मुझे अच्छा लगता है कि और मेरे टीम को अच्छा लगता है कि हम लोग मिलकर ऐसा सेवा की काम करते। किसानों को पूछो कि क्या हालत होता है, जिसको खाना नहीं मिलता है उनको पूछो क्या हालत होता है। आज वो खाना फेंकने में जा रहा था, इतना बुरा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई खाना मतलब कोई फेंके और उसके डिसरिस्पेक्ट करे। जिसको पूछो कभी उनको खाना मिलता है कि नहीं, तो मैंने उधर के दो तीन लोकल लोगों को बोला, मतलब जो आ रहे जा रहे थे तो उनको पूछा, तो बोल रहे थे भंडारे का खाना कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं है, एक्सेक्टा एक्सेक्टा। तो मैं यही पूछता हूँ कि तुम नसीब वाले हो, तुम्हें दो वक्त का खाना तो मिल रहा है, कल भगवान ने वो खाना भी देना बंद कर दिया तो तुम कहाँ जाओगे। आज तुम भगवान की जो हिसाब से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, एक टाइम पे आप लोग ने भी रात दिन एक करके वो खाने के लिए मेहनत की है ना, आज तुम्हारे पास सब कुछ पैसा वीसा आया है, तो तुम ऐसा डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। और इतने लोगों को इन्वाइट करने के बाद भी लोग खाना खाने को नहीं आ रहे, वही समझ में नहीं आता है। इसके पहले साल भी खाना बचा हुआ था, नो डाउट, लेकिन उस टाइम पे कम था और ये लोग ने इसके पहले थोड़ा ज़्यादा खाना रखा था। ये बार थोड़ा कम रखने के बाद भी इतने लोगों का खाना था कि हम लोग तो बांट बांट के हम लोग को एक डेढ़ घंटा चला गया। लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि प्लीज़ खाना ऐसा वेस्ट होने ना दीजिए। पूरे वसंत नगरी है हमारे मुंबई साइड के, तो वसई ईस्ट में, तो मैंने पर्सनली एक दो ग्रुप में भी डाला कि प्लीज़ खाना वो जो वसई के लोग हैं जो खाना लेके जाइए और उसको खाइए। देखो प्रसाद है भगवान का, वो अच्छी चीज़ होती है, तो मना कर दीजिए कि मत प्रसाद बनाइए, लेकिन फेंकने में जाए वो अच्छा नहीं लगता है ना। कितने सारे लोग हैं, मेरे को आंकड़ा पता चला हिंदुस्तान में 7,000 लोग भूखे मरते हैं, जिनको खाने तक का कुछ नहीं मिलता, जिनको मिल रहा है उनको कदर ही नहीं। अब क्या ही बताऊँ, पूरे वसंत नगरी के लोग को इन्वाइट करने के बाद बहुत कम लोग आए और जो आए खाना लेके गए। नो डाउट खाना खाने वाले खाना खाए, थोड़े बहुत ने मतलब जो हिसाब से मैंने पूछा तो मुझे तो डिसरिस्पेक्ट लगा कि ऐसा रहेगा ये रहेगा वो रहेगा, तो हमें नहीं खाओगा, अरे यार ऐसा वैसा। मतलब नहीं खाना है तो डायरेक्ट मना कीजिए, लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं कीजिए, क्योंकि ये खाना बनाने के लिए भी मेहनत लगता है। और जो खाना बना था मैंने खुद खाया, मैं बता रहा हूँ इतना अच्छा था, इतना हर एक चीज़ की क्वालिटी थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। ऐसा खाना तो घर पे बनता है जो खाना उनने दिया था। तो मैं यही बोलता हूँ कि प्लीज़ खाना फेंकने ना दीजिए, खाने की रिस्पेक्ट कीजिए। आज किसान लोग वही चावल के लिए हमारे लिए मेहनत करते हैं, आज आत्महत्या कर रहे हैं, आप लोग को पता है खाने का क्या वैल्यू है। मैंने खुद ये वसंत नगरी पे ज़्यादा हो रहा है, बुरा लगे तो लगने दो, वसंत नगरी के टाइम बाजू में मैंने डेड बॉडी उठाया था, उधर के आजू बाजू के दुकान वाले ने भी मदद नहीं किया। क्या मालूम वसंत नगरी के लोगों को इतने सेल्फिश और इतना ह्यूमैनिटी खत्म हो रही है उनके दिल में कि मैं क्या ही बताऊँ। वैसे ईस्ट के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी डायरेक्टली मैं पॉइंट कर रहा हूँ, लेकिन जो है मेरे सामने कुछ लोग है जो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग नहीं है। बस इतना ही बोलूंगा, जिससे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाओ सब्सक्राइब। ऐसा आप लोग को पता है कि मैंने आप लोग को बताया कि इतना खाना वेस्ट हुआ है, तो जो भगवान के नाम पे हमने भंडारा रखा था, अभी ये खाना कचरे के डब्बे में जाता, मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, किसके पेट में नहीं जाता, बेघर लोगों के पेट में नहीं जाता। तो जो खाना तो नुकसान होता ही होता, उसके साथ साथ भगवान की भी डिसरिस्पेक्ट होती, तो क्यों भंडारा करने के लिए बोलते हैं जब तुम्हें खाना ही नहीं है। आपको पता है ना लॉकडाउन के टाइम पे ना पैसा काम आया ना कुछ काम आया, क्या काम आया, भगवान का पूजा करके लोग बता मतलब भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारी जान बचाइए, लेकिन आज भगवान ने आप लोग की जान बचाई और भगवान को ही भूल गए, तो ये चीज़ तो गलत है। देखो आप भंडारा रखा है किसके लिए रखा है, तुम्हारे पेट में जाइए, लोगों के पेट में खाना जाए, क्योंकि आज लोगों के पास खाना भी नहीं खाने के लिए। और आज भगवान ने लॉकडाउन जैसी परिस्थिति खत्म की है, क्यों, कि लोग अच्छे से रहे। जैसा कोरोना जो चला गया, क्या परिस्थिति थी मालूम है ना, लोगों का सैलरी चला गया था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो किसको याद कर रहे थे, भगवान को। लोगों को अच्छा टाइम आया, भगवान ने ग्रोथ दिया, तो भगवान को ही भूल गए, तो ये चीज़ गलत है गाइस। खाना फेंकने ना दीजिए, मैंने खुद उधर गया था, इतना सारा खाना बचा हुआ था कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने खुद देखा, जब मैंने फिर वो खाना फेंकने को नहीं दिया, मैंने बोला हम लोग को तो हम जाके गरीबों को बांटते, वो खाना किसके पेट में जाएगा वो अच्छा है। मैंने खुद वसंत नगरी पे डेड बॉडी उठाई थी और आजू बाजू के लोगों ने मदद नहीं किया था, भूखा इंसान था, तो मैंने उनको तो जो डेड बॉडी थी मैंने उठाई थी। बस इतना ही बोलूँगा, प्लीज़ खाने को फेंकने ना दीजिए। और जिससे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो मेरा कैसा लगा और हमारा काम कैसा लगा। जय हिंद।